हे गाइस, सितंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और कितने घंटे पढ़ाई करें। काफ़ी स्टूडेंट हमसे टेलीग्राम पर बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे, सर क्या मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, यानी आज से फर्स्ट डे से पढ़ाई करना चाहता हूँ सितंबर से, अभी तक हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो हम सितंबर से पढ़कर 90% ला सकते हैं। बिल्कुल आप सभी लोग ला सकते हो, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर मैनर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं। गाइस, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में केवल पास होना चाहते हैं तो बहुत ही समय आपके पास, समय ही समय है। लेकिन अगर आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही कम समय है। अगर आप बोर्ड में 90%+ लाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही कम समय है। तो गाइस, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, फर्स्ट डे से आज से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट लेक्चर से कैसे वीडियोज देखना है, कैसे अपनी पूरी तैयारी करना है पीडीएफ नोट्स के साथ में, ये आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे थे एक प्रॉपर मैनर से, फोकस के साथ आप पढ़ाई नहीं किए थे, तो आपको अब कैसे पढ़ाई करनी है फोकस के साथ और किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे। गाइस, सबसे पहली चीज, अगर आप सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90%+ लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला यह काम करना पड़ेगा कि आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना लाना है। आप ये मैटर नहीं करता आप इलेवेंथ में आपका कितना आया था, टेंथ में आपका कितना परसेंटेज था, ये मैटर नहीं करता है। आप ट्वेल्थ में कितना मेहनत करते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको सबसे पहला काम एक टारगेट बनाना होगा, और वो जो टारगेट आपका है, जो लक्ष्य है आपको, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है तो सबसे पहले अभी आप लोग टारगेट बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में अपने कापी पर लिखिए। हर एक कापी पर आपको अपना टारगेट लिखा होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल पर और स्टडी टेबल के सामने आपको टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, भटकेगा, आपके सामने आपका टारगेट आ जाएगा और दिमाग फिर से कंसंट्रेट हो जाएगा। आपको यह काम करनी है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट एक बार कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ आपका कितना परसेंटेज आपका टारगेट है। दूसरा काम गाइस, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक टाइम टेबल बनाकर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में ही पढ़ाई करनी। हालांकि मैं आप सभी के लिए एक टाइम टेबल देने वाला हूँ जो कि आप सभी के अनुसार होने वाला है, क्योंकि देखिए टाइम टेबल हमेशा अपने से बनाना चाहिए अपना, क्योंकि आप बेहतर जानते हो आपको कि आपको कब समय मिलता है और आपको कब कैसे पढ़ाई करनी है। फिर भी अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, छोटे हो, तो परेशान मत होना, मैं आपको एक टाइम टेबल बनाकर देने वाला हूँ, बेहतरीन टाइम टेबल है, मैं बना रहा हूँ आप सभी के अनुसार। आप लोग जरा अपना रूटीन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको कॉलेज वगैरह अगर जाना है तो कब जाना है, कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो, ये सभी चीज़ें कमेंट कर देना। हालांकि मैं पीछे भी पूछा था, दोनों वीडियोज के कमेंट्स के अनुसार पर मैं एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाऊंगा जो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हो। काफ़ी टाइम टेबल आप लोग देखे होंगे लेकिन कोई भी फॉलो नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि डेट टाइम टेबल वो लोग अपने अनुसार बनाते हैं, लेकिन ये जो टाइम टेबल मैं बनाने वाला हूँ ये आपके अनुसार आपको बनाऊंगा। तीसरी चीज़ आती है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, वो है कि अब आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए जो चीज़ें आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। आपको अब बहुविकल्पी क्वेश्चन पर भी ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी प्रकार के प्रश्न, न्यूमेरिकल हो चाहे अति लघुतरी चाहे लघुतरी, सभी प्रश्नों पर आपको फोकस करनी चाहिए और सभी तरीके से। और रही बात सर मैं क्वेश्चन कहाँ से पाऊँगा, क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आप चैनल पर चले जाना, मैं अभी बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से पाना है आपको, आपको लेक्चर नंबर 1 से कैसे लेक्चर्स देखना है, ये सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो फिर भी आप लोग अगर चलना चाहते हो कि लेक्चर नंबर 1 से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे आपको पूरा लेक्चर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ गाइस, सबसे बड़ी चीज़, अब आपको कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, उन सभी लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा और उन सभी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा जहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है, खर्च होता है। आपको फेसबुक, सोशल मीडिया जो है, आप लोग ट्विटर तो चलाते नहीं होंगे, ये इंस्टाग्राम हो रहा, ये सभी चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी, व्हाट्सएप भी कम करना पड़ेगा, थोड़ा दोस्तों के बीच में मिलना जुलना भी कम करना पड़ेगा, केवल और केवल फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका परसेंटेज आएगा, अगर मिलोगे जुलोगे तो आप समझ लो फिर गर्मी के दिन में फिर से रिजल्ट जब आएगा तो आपका क्या स्थिति होगा आप ही जानते हो। अगर आप लोग सबसे अलग हटकर सबसे अलग तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में माँ सरस्वती को साक्षी मानकर अगर मेहनत कर लेते हो तो सबसे अलग आपका परसेंटेज आएगा, उस दिन आप राजा होगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा सब लोग आपका नाम लेंगे। अब डिसाइड आपको करना है मेहनत करनी है या सबके साथ घुल मिलकर टाइम वेस्ट करना है, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक मिनट का भी समय कहीं मिलता, आप कॉलेज में हैं 10 मिनट का समय मिला है तो 10 मिनट भी आपको पढ़ाई ही करनी है,
ठीक है। लास्ट चीज, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो, फर्स्ट लेक्चर से अगर आपको देखना है तो कैसे आप लेक्चर्स को देखोगे, आइए स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब पर आपको सर्च बॉक्स खोलते ही हो, जहाँ पर आप लोग कैसे कैसे वीडियोज खोलते हो, तो आपको वहाँ पर सर्च करना है अल्फा इंस्टीट्यूट। क्या सर्च करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगी और सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इसे आप लोग क्लिक कर देना, करने के बाद इसे क्लिक कर देना, ये चैनल खुल जाएगा, लोगो देख लीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपका वीडियोज है, आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 12th Physics 2022 52 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक। आपको इसे क्लिक करना है एक साइड से, देखिए यहाँ पर ऐड चल दिया, एक साइड से आपको ये लेक्चर्स देखना है। कहाँ से? नीचे से देखना आपको, चैप्टर नंबर 1 से, इसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखना ध्यान से। इसके बाद देखिए 12th Physics 160 लेक्चर्स हैं, 160 लेक्चर्स जो आप सभी के लिए जीवनदायिनी के समान है। 160 लेक्चर जो आप सभी को 90%+ तक लेके जाएंगे। 160 लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चैप्टर, अगर आप चाहते हो 3 घंटे में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करना, मैं कंप्लीट कराया हूँ, कर सकते हो। 3 घंटे 4 घंटे एक बार पानी वानी लेकर बैठो और कंप्लीट कर दो चैप्टर। अभी चौथा चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। साथ में देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, आप सभी लोग अगर केमिस्ट्री का करना चाहते हो तो इसी तरह देखिए, केमिस्ट्री का भी 33 लेक्चर हुआ है, आप केमिस्ट्री को भी देख सकते हो। और केमिस्ट्री के रगी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम जो कर रहे थे तो यहाँ पे देखेंगे, तो आगे इसी को अगर नीचे करेंगे अपने मोबाइल में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आसान दिया होगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा कीजिएगा। और देखिए मैं आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स 2nd का भी क्लासेज स्टार्ट कर दिया हूँ, ताकि आपका मैक्सिमम नवंबर मिड वीक तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं आपको आगे से पढ़ा रहा हूँ, एक अन्य सर हैं जो आपको पीछे से पढ़ा रहे हैं 9th चैप्टर से। ठीक है, तो आप उनका भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि लेक्चर कैसे अटेंड करना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप केमिस्ट्री का यहाँ पर भी लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए बायोलॉजी का भी लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 6 लेक्चर हुआ है। ठीक है, ये सभी लेक्चर्स देख कर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए वीडियोज में आपको डेली जो क्लासेज होती हैं ये सब आपको मिला मिलेंगी। यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट वगैरह भी होता है, टेस्ट के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके, वहाँ पे गुलाम बैच और बेंजीन बैच है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आपको कैसे गुलाम बैच और बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है और PDF कैसे प्राप्त करोगे, सबसे बड़ी बात आती है। तो गुलाम बैच और बेंजीन बैच आप जब ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल लेकर आएगा, स्टडी मटेरियल में आप जाकर आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। गुलाम बैच बेंजीन बैच अगर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और रही बात, इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम पर, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएंगी। हालांकि मैं पीछे 1-2 महीने पहले चलाया था, तो 1-2 महीने आपको नीचे सर मतलब स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। तीसरी बात आती है कि इस समय जो क्लासेज चल रही है उसका टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पर टाइम टेबल आप सभी के लिए क्या है, कैसे आपकी क्लासेज हो रही है। ये 11th के लिए टाइम टेबल है, आपको 12th के लिए टाइम टेबल लिया है। 2 क्लासेज आपकी फिजिक्स की चलती है, क्लास नंबर 1 आपकी चलती है 11 बजे, सभी लोग क्लास में आना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 चल रहा है। क्लास नंबर 2 चलती है 2 बजे। अब देखिए केमिस्ट्री की क्लासेज, जो क्लास नंबर 1 चलती है 11 बजे, ये मंडे टू फ्राइडे चलती है, और 2 बजे वाली क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है। संडे को आप लोगों का टेस्ट लेने का प्लान होता है और संडे को ही टेस्ट होगा। नीचे देखिए केमिस्ट्री की क्लासेज दिया गया है, 7 बजे शाम को चलती है और 4 PM पे चलती है केमिस्ट्री क्लासेज। केमिस्ट्री क्लासेज 4 PM वाली अभी नहीं चल रही है, इसी सप्ताह के लास्ट में चलने स्टार्ट हो जाएगी। और मैथ और बायो क्लासेस 3 बजे चलती है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है और इस तरह से आप लोग पढ़ाई करके बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। क्या आप सभी लोग कल से क्लास में प्रेजेंट हो रहे हो, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। जो फर्स्ट डे आपको 2 तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक तो आपको आगे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में पीछे से लेक्चर लेनी पड़ेगी। 2 लेक्चर डेली लोगे, मुश्किल से 25 से 30 दिन में सितंबर में आपका पूरा मेरे साथ चलने लगोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से, धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग पूरी तरीके से मेहनत करना, क्या आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू।